हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा बिहार एपीओ मेंस आप लोगों के एग्जाम डेट आ चुकी है और आप लोग मेंस के प्रिपरेशन में लग रहे होंगे और जुडिशरी एग्जाम या फिर एपीओ एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आप लोगों की जीएस पेपर की। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज है। इससे पहले एक लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, ये हमारा मेंस के सीरीज में दूसरा लेक्चर है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बिहार एपीओ मेंस के लिए आप हमारी क्लासे ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या कॉल करके जो है आप लोग क्वेरी ले सकते हैं और हमें फोन करके या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। जीएस की जो क्लासेज है आप लोगों की वो सुबह 9 बजे से चल रही है, 9 AM पर आप लोगों की चल रही है। ठीक है, जिसका डेमो आप लोग इसको समझ लीजिएगा और इसमें हम लोग नोट्स, टेस्ट सीरीज, कंटेंट प्लस लाइव क्लासेस और ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण टॉपिक और माइनर एक्ट की शाम 8 बजे चल रही है माइनर एक्ट की और मेजर की सुबह 7 AM का जो रविजा सर ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखिएगा एक एक टॉपिक 5-5 नंबर का आप लोगों को आएगा, तो आपके एग्जाम में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो फुल फॉर्म होगी, जो 5 नंबर की फुल फॉर्म आपको आएगी। तो बिंदुवार एक एक टॉपिक को देखेंगे और चर्चा करेंगे। जैसे एमएसपी क्या है, मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आप लोगों को याद रखना है। ये हमारी जो फसलें होती हैं उन पर जारी किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसान आंदोलन की वजह से ये कीवर्ड बहुत चर्चाओं में, ऐसी शब्दावलियां, ऐसी एब्रिवेशन आप लोगों को आएंगी जो न्यूज में चर्चाओं में है। इसके बाद है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके बाद है डीआरडीओ, डीआरडीओ की क्या है अगर हम बात करें, डिफेंस आप लोग नोट कर लेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद है एनआरसी, तो एनआरसी की है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है नाटो, नाटो बड़ा चर्चाओं में है, वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हालांकि आप लोगों की काफी सारे लोगों की याद भी होंगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, फुल फॉर्म है। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोगों को लिखनी है कोविड की फुल फॉर्म। सबसे पहले कोविड की लिखेंगे, फिर लिखेंगे MSME की फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है दूसरा टॉपिक इंपोर्टेंट डेज। आप लोगों को 5 नंबर के दिवस आएंगे और ये क्लास यूपी एपीओ मेंस के लिए भी सेम सिलेक्ट टॉपिक है जो आपके आने आने। तो 21 जून योगा डे और योगा दिवस 2015 से स्टार्ट हुआ था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2021 की आपकी 2022 की थीम थी, याद रखिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। ठीक है, याद रखिए। 12 जनवरी युवा दिवस, यूथ डे को मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के दिवस पर, स्वामी विवेकानंद। इसके बाद है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर मनाया जाता है सेल्फ गवर्नेंस डे यानी स्वशासन दिवस। तो लिख सकते हैं आप लोग स्वशासन दिवस, ये चीजें आप लोगों को रटनी पड़ेंगी भाई, सेल्फ गवर्नेंस डे। ठीक है, तो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है 8 मार्च, तो ये है वुमेन्स डे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दिवस हम लोगों ने देख लिए, फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिए। इसी तरीके से मैं टॉपिक बाय टॉपिक्स क्लासेस में शुरू के आधा घंटा इन्हें टॉपिक्स को कराते हैं, फिर वन बाय वन जैसे एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है या बिहार के हैं, फिर करंट अफेयर के जो इशूज हैं वो मैं मेंस में कराता हूँ। अब है देखिएगा बुक्स भी हम लोग तैयार कराते हैं, तो एक तरफ इनके राइटर हैं, द ब्लू बुक लिखी है अमिताभ कुमार ने, टॉम ऑफ सैंड्स रेत का जो टीला है गीतांजलि श्री को इस पर बुकर भी मिला है, तो गीतांजलि श्री। वाटर सैंड लिखी है मृदुला रमेश ने, इंडिया डिवाइडेड भारत के पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनकी पुस्तक है। और इसके बाद है गुलामगिरी, तो ये पुस्तक है ज्योतिबा फूले ने लिखी थी जब सत्यशोधक समाज चला था 1873 में,
तो मैं पांच पांच ही लिख रहे हैं आप लोगों को, वन बाई वन करके हम लोग लेंगे अगली क्लास में, और पांच पांच की सीरीज में आप लोगों को करूंगा। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसी वीडियो आप लोगों को लग रही है, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आप लोग चाहें तो हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा, पांच आप लोगों को पांच से दस नंबर के पर्सन लिखने के लिए आएंगे। पर्सन हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, लेटेस्ट चर्चाओं में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो राजीव कुमार कौन है, अभी हाल ही में हमारे जो है वो 25वें क्या बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 15वीं क्या बनी है, हमारी राष्ट्रपति बनी है, उड़ीसा से है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से, पहली आदिवासी महिला, सेकेंड वुमेन है, ये आप लोग याद रखेंगे। और झारखंड की पहली महिला गवर्नर रह चुकी है, ये क्या बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ये राजस्थान से हैं, और इससे पहले पश्चिम बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। इसके बाद है परमेश्वर अय्यर, तो ये नीति आयोग जो है हमारा, अभी नीति आयोग भी आपको बता देता हूँ, नीति आयोग के क्या बने, सीईओ बने हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर साहब। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये बना था 2015 में, किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को परिवर्तित करके इसको बनाया गया था। इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में इसकी जो है अगर हम बात करें तो गवर्नेंस काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के जो भी चीफ मिनिस्टर या फिर उपराज्यपाल होते हैं वो आते हैं। साथ में इसमें मेंबर होते हैं, चार मेंबर एक्स ऑफिसो होते हैं, कैबिनेट मंत्री, जिसमें पदेन सदस्य चार हो सकते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो अभी जो है आपके सुमन के बेरी बने हैं, तो ये याद रखें। नीति आयोग का काम है भारत सरकार के लिए योजनाओं का प्रपोजल तैयार करना, और उनको एक्सेप्टेंस कौन करता है, एनडीसी, न्यू डेवलपमेंट, न्यू एनडीसी करता है, ये आप लोग रखेंगे, न्यू डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इसके बाद सोमनाथ है, तो सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है, इसरो चेयरमैन है। इसरो आपको बताइए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, तो आप लोगों को हेडक्वार्टर की लिस्ट भी एक पांच नंबर में आ सकती है। इसके साथ है आप लोगों को देखिएगा प्लेस इन न्यूज, ऐसे स्थानों के बारे में बताना है जो चर्चाओं में है, ये हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं या फिर चर्चाओं वाले भी हो सकते हैं, इवन राज्यों की राजधानी या चर्चा शहर या टूरिस्ट प्लेस या हिल स्टेशन भी आप लोगों को आ सकते हैं। तो कीव आप लोगों को पता है यूक्रेन की राजधानी है, काफी चर्चाओं में आई थी जब भारतीय छात्र यहाँ पे फंस गए थे ड्यूरिंग इन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो याद रखेंगे, ठीक है। और रशिया और यूक्रेन से आप लोग लिख सकते हैं ऑपरेशन गंगा भी याद रख लेना, ऑपरेशन गंगा चला था भारत को एक्टिवेट करने के लिए, भारतीय लोगों को यहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। अहमदाबाद देखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया, इसको पहला, एक तो याद रखेंगे आप लोग, भारत की फर्स्ट हेरिटेज सिटी है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अहमदाबाद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर दो आप लोगों को याद रखना है, क्या कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ पर बना है, वेरी वेरी मोस्ट है। और ये आप लोगों को नदियों के नाम, उनके बैंक के किनारे कौन से नदी शहर बसे हैं वो भी आ सकते हैं, तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के स्थित है, तो यहाँ पर आप तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं साबरमती आश्रम या साबरमती नदी, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्ट है अहमदाबाद के बारे में। आगे देखते हैं नाथद्वारा, देखिए राजस्थान में है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे ना स्टैचू ऑफ बिलीफ आप लोग नोट कर लेंगे, स्टैचू ऑफ बिलीफ का निर्माण हुआ है, ये भगवान लॉर्ड शिवा की है, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव की मूर्ति है, मोदी जी ने इसको कराया। हाल ही में भी कई सारी स्टैचू बनी है, ये मैं पहले क्लास में बना चुका हूँ, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में 200 आपको पता ही 80 मीटर हाइट है उसकी। फिर आप लोगों ने देखी स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ पीस विजय बल्लभ सुरेश्वर की है, कहाँ पर, राजस्थान के पाली में, ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये स्टैचू थी। श्रावस्ती बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ना स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया गया है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, बुद्ध सर्किट में भी आता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर एक यूपी सरकार ने क्या करा है, स्कूल चलो अभियान, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, जो प्राइमरी लेवल है ना, प्राइमरी लेवल पर 100% एनरोलमेंट करना है, 100% एनरोलमेंट की बात की गई है योगी सरकार के द्वारा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी में, ठीक है। समझ में आ रहा है, कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, इतनी मेहनत से आप लोगों को बना रहे हैं। जो लोग चाहे तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट सारी चीजें हम लोग नोट्स टेस्ट सीरीज सारे टाइप फॉर्मेट में करके आप लोगों को, और इसमें मैं पांच टेस्ट पेपर आप लोगों को बना रहा हूं अपनी टीम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल भी आप लोग चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चेन्नई देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये, यहाँ पर जो अभी
एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है भारत में पहली बार। तो चेन्नई एक तो तमिलनाडु की राजधानी, और यहाँ पर विश्व शतरंज वर्ल्ड चैंपियन चेस ओलंपियाड हुआ है। विश्व शतरंज आप लोग नोट कर लेंगे, विश्व शतरंज ओलंपियाड यहाँ पर हुआ है भाई, याद रखेंगे ओलंपियाड। भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पहला किर्गिस्तान ने जीता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चेन्नई मद्रास यानी इसकी कैपिटल है ये तमिलनाडु की, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एस के स्टालिन याद रखेंगे। इसके बाद है देखिएगा, मैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए लिखा हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाई वन करके देखेंगे। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, बंगाल को बांट दिया गया। इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे बांटा। तो देखिएगा ये हमारा था बंगाल, बंगाल को बांट दिया गया पूरी तरीके से, ये बंगाल था पूरा, ये वाला बांग्लादेश का पार्ट भी ना, बंगला बंगालिया, इसके दो टुकड़े कर दिए, ये पश्चिम बंगाल पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट वाला, और ये ईस्ट वाला। तो ये उस टाइम लॉर्ड कर्जन ने करा था, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर आधारित था। अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि बंगाल विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया और भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन ये एक चाल थी अंग्रेजों की ताकि हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा सके, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने पीक पर थी, लोग जुड़ते जा रहे थे। तो इसमें आप लोगों ने देखा इसका परिणाम क्या निकला था, इसका परिणाम था स्वदेशी आंदोलन हुआ, लोगों ने एक दूसरे के राखियां बांधी, गले लगे, विदेशी कपड़ों के वस्त्र जलाए। तो यही था बंगाल विभाजन, और फिर बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था, आप लोग याद रखेंगे, और फिर इसकी राजधानी 1911 में घोषणा करी गई, दिल्ली पहुंच गई राजधानी, यहाँ पर दिल्ली में 1912 में बनी थी, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये तो हो गया बंगाल विभाजन, ये चीज़ें मैं लिख के भी देता हूँ आप लोगों के, जो बच्चे हमारे देख रहे होंगे प्लीज़, ऐसे वो साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने हमारे बैच ज्वाइन कर रखे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर है चंपारण सत्याग्रह, तो देखिएगा चंपारण सत्याग्रह अगर हम बात करें तो गांधी जी का पहला आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था कहाँ पर, भारत में, पहला फर्स्ट था भारत में, याद रखेंगे। और किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ये राजकुमार शुक्ल कौन था, एक किसान आदमी था, और ये लखनऊ में मिला था इन्हें जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और ये राजकुमार शुक्ल गांधी जी को, किसको, गांधी जी को लेकर पहुंच गया कहां पर, चंपारण में। चंपारण में क्या दिक्कत थी भाई, दिक्कत ये थी कि यहाँ पर एक प्रणाली चल रही थी, एक सिस्टम था, तो वो क्या थी, तीन कठिया प्रणाली। अब तीन कठिया प्रणाली क्या थी, 3/20 यानी किसी व्यक्ति के पास 20 बीघे जमीन है तो 20 में से 3 बीघे 20 जमीन पर क्या, नील की खेती करानी पड़ेगी भाई। और नील किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक बार फसल हो जाने के बाद पूरी लैंड बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, और किसानों को इससे मुनाफा भी नहीं होता था। गांधी जी गए, गांधी जी ने भी यहाँ पर बात करी अंग्रेजों से, अंग्रेज बैकफुट पर आ गए, तो अंग्रेजों ने इसको वापिस ले लिया और 25% बोनस देने की भी बात करी, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल रहा था गांधी जी का आंदोलन, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था, तीन कठिया प्रणाली समाप्त कराना, कारण क्या था, तीन कठिया प्रणाली, परिणाम क्या निकला, सक्सेसफुल हो गए गांधी जी और इस टाइम 25% बोनस दे दिया, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखिएगा इसमें मैंने आपको बताया एसिड रेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके दो ही कारण है, एक आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड लिखेंगे, एक सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों की वजह से एसिड रेन होती है, और हमेशा स्वीडन नॉर्वे या कनाडा के नॉर्थ पार्ट में होती है, याद रखेंगे आप लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड रेन, इसमें क्या है, स्किन पर गिरती है तो लाल रंग के जो है फेफेले से पड़ जाते हैं, ये अम्लीय वर्षा इसको हिंदी में बोलते हैं। एक है टाइगर रिपोर्ट 2018, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइगर रिपोर्ट 2000, टाइगर और चीता अलग है भाई, आप लोग याद रखना ये बात, टाइगर रिपोर्ट 2018, भारत में टोटल 2967 टाइगर हैं, जिसमें पहले नंबर पर MP, दूसरे पर कर्नाटक, और तीसरे पर कौन है आपका, UK, यही है क्या टाइगर रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तक भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चला था, आप लोगों को मेंस में आ सकते हैं, 1973 में स्टार्ट किया गया था, और इसके साथ पहला टाइगर रिजर्व पार्क, फर्स्ट टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है, वो है जिम कार्बेट, जिसका नाम क्या हो चुका है, और रामगंगा नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। दूसरा, अभी टोटल 53 टाइगर रिजर्व पार्क हो गए, गुरु घासीदास लिख लेंगे आप लोग,
गुरु घासीदास ये कहां पर है भाई, छत्तीसगढ़ में, ठीक है छत्तीसगढ़। गांधी अभी मोदी जी जो लेकर आए हैं वो चीता लेकर आए हैं, चीता, ठीक है मोदी जी क्या लेकर आए, चीते लेकर आए। कोनो नेशनल पार्क कहां पर है, एमपी में, 2018 में उसे दर्जा मिला था, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, और वीडियो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो लोग बिहार एपीओ मेंस की तैयारी करें। इसी तरीके से हमारे लगभग 40-45 लेक्चर आपको मिलेंगे, ये तो खैर मैं कम मिनट का ही बना रहा हूँ, एक घंटा आप लोग क्लास लेते हैं। सारे जुडिशियल क्लासेस हमारी ऐसे ही पैनल पे चलती हैं, और इसी तरीके से आप 32 जुडिशरी के लिए, बिहार एपीओ के लिए, यूपी एपीओ के लिए, प्री मेंस जीएस पेपर के लिए बेफिक्र होकर, जिसमें हम लोग नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब हम कुछ प्रोवाइड कराते हैं बहुत लो कॉस्ट प्राइस में, तो आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।